आने के बाद मेरे समाज को अनाथ कर दिया था। मैंने 20 साल उस पार्टी में काम किया, लेने का धोखा दिया गया, लेकिन मुझे आज ये धोखा मिला। मेरे पेट में खंजर भौंका। आज से मैं सारे पदों से मुक्त होता हूँ और अपने परिवार को ये वचन देता हूँ कि कभी PSP को एक भी वोट मत देना। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में रोजाना नए उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। कभी कोई नेता अपनी पार्टी छोड़ दूसरे दलों में शामिल होता है तो कभी कोई दल विधानसभा सीट से उम्मीदवार प्रत्याशी घोषित करने के बाद भी उसकी टिकट काट देता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं फिरोजाबाद विधानसभा सीट की, जहां से एक दिन पूर्व बहुजन समाज पार्टी यानी कि बहन जी की पार्टी ने फिरोजाबाद से बबलू सिंह गोल्डी को उम्मीदवार घोषित किया था। बबलू सिंह गोल्डी को टिकट की घोषणा होते ही बबलू सिंह गोल्डी और पूरे राठौर समाज में खुशी की लहर छाई हुई थी। लेकिन बबलू सिंह गोल्डी को क्या पता था कि उनकी पार्टी ने उनको यह खुशी केवल एक रात के लिए ही दी थी और उनकी टिकट काटकर अनेक दलों में भटके हुए नेता पूर्व विधायक अजीम भाई को दे डाली। इस बात को सुनकर बबलू सिंह गोल्डी आग बबूला हो गए और फिरोजाबाद के कई नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे साथ और मेरे समाज के साथ बहुत गलत हुआ है, और अपनी आंखों को नम करते हुए कहा कि कल मैं राठौर समाज की अचल पैलेस में मीटिंग रखी है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि बबलू सिंह गोल्डी क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर क्या कुछ तय होगा राठौर समाज की। देखिए, यहाँ का 150 वोट वाला विधायक हमेशा मेरे समाज को ठगने का काम करता था। जो यहाँ का 150 वोट वाला विधायक हमेशा मेरे समाज को ठगने का काम करता था, आज इस समाज के बच्चे ने जब हिम्मत जुटाई और एक दल से टिकट लाया तो उस दल के दलालों को खरीद कर उन्होंने मुझे मेरा टिकट कटवा दिया, और कटवाने के बाद मेरे समाज को अनाथ कर दिया। दोबारा से जो समाज के अंदर क्रांति थी उसको उन्होंने फिर वान का गुमराह करने का काम किया है। मेरा समाज कह रहा है चीख चीख के कि हम इसका बदला जरूर लेंगे, और मैं कल 2 बजे अचल पैलेस में मीटिंग करूंगा और समाज के सामने सारी बातें कहूंगा कि मुझे अब क्या करना है, उससे पहले मैं कुछ नहीं करेगा। देखिए माननीय बहन जी, मैंने 20 साल उस पार्टी में काम किया, लेकिन मुझे आज ये धोखा मिला। मेरे पेट में खंजर भौंका, मेरे को मतलब यानी का धोखा दिया गया। मैं इसको आजीवन, जो मैं PSP का रहा, आज से मैं सारे पदों से मुक्त होता हूँ और अपने परिवार को ये वचन देता हूँ कि कभी PSP को एक भी वोट मत देना।